सुबह फिर से आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में, जहां कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में कोरोना के 19 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं और क्वारंटाइन सेंटर से 16 दिन बाद घर भेजे गए 9 मरीज भी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल बन गया है और पामगढ़ एलसीएम ने 6 अलग अलग टीम बनाकर मरीजों को लेने भेजा है। जिले के नवागढ़, अकलतरा और सख्ती जेजेपुर ब्लॉक से भी 10 नए केस सामने आए हैं और सभी को इलाज के लिए कोविड अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या अब 25 हो गई है। तो एक बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और एक बार फिर बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 19 नए मरीज मिले हैं। तो अब छत्तीसगढ़ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता रवि गोयल जुड़ गए हैं। रवि, छत्तीसगढ़ की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, 16 नए मरीज मिले हैं, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पाई है इनको लेकर? जी, आपको बता दो, कल जो है यहाँ से एक साथ जो है करीब 16 मरीज सामने आए हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज जो है पामगढ़ क्षेत्र से सामने आए थे। और इसमें सबसे जो चिंताजनक बात सामने आई है कि ये जो 9 मरीज वहाँ से जो सामने आए थे, ये सभी जो है अपने क्वारंटीन सेंटर की अवधि होती है 14 दिन आइसोलेशन की, उसको पूरा करके जो है घर जा चुके थे जी। और 16 दिन बाद जो है उनकी रिपोर्ट आई थी वहाँ से, जिसके बाद उसकी जो रिपोर्ट आई वो पॉजिटिव आई, जिसके बाद जो प्रशासनिक हमला में हड़कंप मचा और उन्होंने तत्काल जो आनंद फानंद में उनके घर गए और उनको जो है कोविड अस्पताल उनको भेजा गया है। और इसके बाद जो है 4-5 अलग अलग क्षेत्रों से एक एक दो दो केस और निकल कर सामने आए थे। इसके बाद जो है कुल संख्या जिले की जो है 25 हो गई है हमारे जिले में। और ये जो मजदूर आ रहे हैं सब बाहरी मजदूर हैं, इसमें सब क्वारंटाइन सेंटर से निकल कर सामने आए हैं। रवि, अगर जांच की बात की जाए तो जांच की क्या कुछ स्थिति देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में, लगभग कितने लोगों की रोजाना जांच हो जाती है? जी, आपको बता दूं, जांच की स्थिति की बात की जाए तो वो जो है जिस हिसाब से होनी थी उस हिसाब से नहीं हो पा रही है जी। 14 दिन से अधिक हो जा रहे हैं और उनकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, जिसके कारण जो आइसोलेशन में जो मजदूर रखे जा रहे हैं क्वारंटीन सेंटर में, उनको काफी दिक्कतें हो रही है। जो 14 दिन के बाद भी उनको रखा जा रहा है, और जैसा कि कल जो सामने आया मामला कि वो घर जा चुके थे, उसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, इसके बाद अब वो किनके किनके संपर्क में आए वो भी, अब उनके ऊपर भी जो है अब उनकी भी जांच होगी, उनके भी ब्लड सैंपल जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो जांच की जो गति है बहुत धीमी है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसके कारण भी एक समस्या पैदा हो रही है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका।